हेलो हमारे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। जैसे कि आपको बताया, बीकॉम एग्ज़ाम का सेशन चल रहा है और ये जो एग्ज़ाम का पीरियड होता है ना, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा टेंशन में होते हैं और टेंशन को दूर करना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसे मैं अच्छे से निभाता हूँ। अपने 13 साल का जो मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है अपने कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाने का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लगातार आपकी क्वेरीज आती रहती हैं, तो अगर आपकी और भी क्वेरीज है तो कमेंट करते रहो, कमेंट का रिप्लाई आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स को तो मैं यहाँ पर, जी हाँ, वीडियो बनाकर देता हूँ। जैसे छवि तिवारी है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर एग्जाम में सपोज कीजिए अगर न्यूमेरिकल हमें नहीं आता तो क्या हम थ्योरी लिखकर पास हो सकते हैं, क्या हम न्यूमेरिकल की जगह पर थ्योरी लिख के आए, ऐसे में हम क्या करें। भाई सोचिए मेरी बात को, आज की डेट में मैं आपको फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स की बीकॉम में बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, ये पूरे साल पढ़ते ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीकॉम के साथ कोई और कोर्स भी कर रहे हैं, उन्होंने बीकॉम तो एक प्राइमरी के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया सेकेंडरी के लिए, और वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं किस बेसिस पर, केवल थ्योरी के बेसिस पर। तो ऐसे में एक बात तो फैक्ट है कि आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपके पास, देखो मैं एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ, पूरे प्रूफ के साथ, ऐसा नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल का एग्ज़ाम है, जैसे बीकॉम के किसी भी ईयर में मिनिमम 1-2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं। मान लीजिए कोई एक एग्ज़ाम है, उसमें आपका 60+40 का रेशो रहता है ये, या फिर रहता है 55 से लेकर 45 का, ठीक है। यानी कि अगर बात करें तो न्यूमेरिकल होते हैं आपके 40 मार्क्स के, ठीक है, और थ्योरी होती है आपकी 60 मार्क्स के। अब आप अगर टारगेट बना के चलेंगे थ्योरी को, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, अब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब आप बैठे हो एग्जामिनेशन हॉल में, सामने आपके क्वेश्चन पेपर है, आप सॉल्व कर रहे हो, और ऐसे में आप सोचते हो यार ये न्यूमेरिकल मेरे को नहीं आता, और वो 15 नंबर का न्यूमेरिकल है, तो दुख बड़ा होता है कि 15 नंबर तो मेरे कम हो गए, अब तो 70 का भी पेपर होने लगा है, तो ऐसे में क्या करें। तो मैं आपको पहले ही कहता हूँ, देखो पहली बात तो यह है कि अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप उसमें अप्लाई करना बेकार है, क्योंकि उसमें मार्क्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपको नहीं आता, आप बीच में छोड़ोगे, और न्यूमेरिकल अगर नहीं आता तो फिर टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो आपकी 60 मार्क्स की थ्योरी है उसको आप करके आए। थ्योरी में ये फॉर्मूला चलता है कि थ्योरी नहीं भी आती तो बनाकर लिख आओ, लेकिन न्यूमेरिकल में तो ये भी फॉर्मूला चलता कि नहीं आता तो बना के लिख आओ। लेकिन एक फैक्ट जो आपको समझना चाहिए, अगर सपोज कीजिए कि 15 मार्क्स का कोई न्यूमेरिकल है, आपको वो न्यूमेरिकल तो नहीं आता लेकिन आपको उसका बेसिक्स पता है, उस न्यूमेरिकल का आपको बेसिक्स पता है, जैसे उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसमें कौन सी टेबल बनेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंटेंसी है, उसमें पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन आ गया या रॉयल्टी का कोई क्वेश्चन आ गया, आपको पता है रॉयल्टी का चार्ट कैसे बनता है, आपको पता है इनकम टैक्स में टेबल कैसे बनती है, आपको पता है स्टेटिक्स में टेबल कैसे बनती है, लेकिन आपको सोल्व करने का फॉर्मूला नहीं पता, तो आप उस क्वेश्चन की टेबल बना के आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर, इट डिपेंड्स ऑन फैकल्टी कि वो आपको मार्क्स दे दे। मैंने आपको पहले ही बताया था बीकॉम में कोई भी मेजरमेंट नहीं होता कि इतने क्वेश्चन पे इतने मार्क्स देने हैं, इतना लिखा तो इतने मार्क्स देने हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। तो ऐसे में आपके जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि भाई थ्योरी तो मुझे छोड़ के आनी ही नहीं है, थ्योरी तो मैं जितनी भी आती है एग्जाम में उसे करके आऊँ, अगर मुझे नहीं भी आती ना मैं बना के लिख के आऊँ, लेकिन मुझे थ्योरी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर क्वेश्चन छूटेगा तो वो छूटता है टाइम की वजह से, और उस पर आपको आपको अंदाजा रखना चाहिए कि कितना टाइम मुझे लगेगा, और उस पर्टिकुलर टाइम डायरेक्ट ड्यूरेशन में आपको एग्जाम कंप्लीट करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं जब बाहर आता था एग्जाम खत्म करके, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते थे, मतलब मेरे साथ के, कि भाई गौरव तूने तो सारा करके आया है, कुछ छोड़ा, मेरे तो यार टाइम अप हो गया था, मेरे तो एक क्वेश्चन रह गया, मेरे तो दो क्वेश्चन रह गए। ये सब चीज़ें पहले से ही मेज़र करनी पड़ती है कि मेरे एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन लॉन्ग हैं या 5 क्वेश्चन लॉन्ग हैं, 10 क्वेश्चन शॉर्ट हैं, और मुझे करना है कितनी देर में करूँगा, कितना टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से चलेंगे ना, आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। तो थ्योरी तो आपको अटैम्प्ट करनी ही चाहिए। और न्यूमेरिकल की जब बात आती है तो न्यूमेरिकल में अगर आपको न्यूमेरिकल का बेसिक्स पता है, आपको सोल्यूशन नहीं आता, तो ये मैथ नहीं है दोस्तों। मैथ में क्या रहता है कि आंसर आया तो हीरो, अदरवाइज जीरो, या तो जीरो मिलता है या फिर फुल मार्क्स मिलते हैं। अकाउंट में ऐसा नहीं है, अकाउंट्स में टेबल बनाने के भी मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स होते हैं, वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, स्टार्टिंग करने के भी क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर पर।
कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो मार्क्स देंगे आपको। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको सिंपली एक चीज़ का ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल को अगर नहीं आता तो पहले से सारी थ्योरी ख़त्म कर लो एग्ज़ाम्स की बना बना कर, फिर लास्ट में जब टाइम बचा लो 10 से 15 मिनट का, उस दौरान आप न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग कर सकते हो जितना आपसे हो जाए। हो सकता है आपसे आंसर भी आ जाए या नहीं भी आता, लेकिन जिसे बिल्कुल भी नहीं आता वो बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपको फॉलो करना चाहिए थ्योरी को, कंप्लीट करो जितनी आती है, अटैम्प्ट करो अच्छे से, परफॉर्मेंस अपनी देके आओ, प्रेजेंटेशन भी देके आओ, और देख लेना आपको 60 में से ही 35-40 मार्क्स आ जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि मिलाकर पास होना होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस गलती से सीखिए, अगर इस साल आपने न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन नहीं करी है तो दिस इज़ योर लैक, और आपकी थ्योरी के मार्क्स कम रह जाएंगे, तो इस साल आपके मार्क्स कम होंगे। लेकिन आपको पता है कि बीकॉम में 3 साल की इकट्ठी मार्कशीट बनती है, कंबाइन बनती है, कंसोलिडेटेड बनती है। तो ऐसे में आप नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करके चलेंगे कि हमें न्यूमेरिकल पढ़ना है और न्यूमेरिकल में अच्छे नंबर लाने हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है, पढ़ाया भी जाता है। नए बैचेस की जो जर्नल एंट्रीज या कंपनी लो वगैरह क्लासेज है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो सोच रहे हैं कि विपुल सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसका रीज़न, विपुल सर अपने चैनल पर, मतलब विपुल सर थोड़े से बिजी चल रहे हैं आजकल, तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपने चैनल पर स्टडी मिलती रहेगी, सो यू डोंट वरी।